हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे आप। टुडे वीडियो डिस्कस इन ड्यूरिंग डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन। सो लेट्स सी स्टार्ट दिस वीडियो एंड यू कैन सी ड्यूरिंग डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन होना, क्रैम्स होना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, हेडेक होना, फीवर होना, चेल्स होना, चेल सेवरिंग एंड नोजिया वोमिटिंग होना, ब्रीथलेस होना एंड ब्लड लॉस होना एंड हीमोलाइसिस होना, हाइपरटेंशन होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, यानी पेशेंट का बीपी डाउन जा रहा है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को टेंडरबर्ग पोजीशन में लेके आना है, यानी पेशेंट के जो लेग्स है, ठीक है, उसको अप करना है, पेशेंट के जो हेड है उसको डाउन करना है। ओके, एंड ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट के जो यूएफ है उसको स्टॉप करेंगे, 100 ml सलाइन बोलस करेंगे एंड देन अगर पेशेंट को कंडीशन आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, वरना आप रिपीट कर सकते हैं 100 ml सलाइन और, यानी 200 ml सलाइन आप रिपीट करेंगे। ओके, इफ सिम्टम्स माइल्ड, रिड्यूस यूएफ गोल एंड कंटिन्यू डायलिसिस। ओके, इफ सिम्टम्स सीवियर, इन्फॉर्म योर इन डॉक्टर्स एंड कनेक्ट टू ECG मॉनिटर एंड चेक पल्स मिनिट, यानी आपको जरूरत है पेशेंट की जो ब्लड है उसको रिटर्न करेंगे एंड स्टॉप कर देंगे डायलिसिस को। ओके, अब बात कर लेते हैं क्रैम्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को क्रैम्स आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जकड़न, यानी मांसपेशियों की ऐंठन, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्रैम्स आ रहे हैं तो आप स्टॉप करेंगे यूएफ एंड इन्फ्यूज 100 ml नॉर्मल सलाइन, इफ नॉट ओके अनदर 100 ml सलाइन। ओके, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि पेशेंट के क्रैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो आप 100 ml सलाइन रिपीट भी कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू डायलिसिस। ओके, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो यानी हाइपो जहाँ पे आ गया यानी लो, हाइपर हो गया यानी ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी पेशेंट की जो शुगर है वो डाउन जा रही है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट की शुगर डाउन जा रही है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, कंफर्म हाइपोग्लाइसीमिया बाय चेकिंग विद ग्लूकोमीटर, यानी आपका जो ग्लूकोमीटर है उससे चेक करेंगे पेशेंट की शुगर को। ओके, ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे 50 ml ऑफ 25% डेक्सट्रोज IV, इफ नॉट ओके अनदर 100 ml ऑफ 25% डेक्सट्रोज IV, इन्फॉर्म योर डॉक्टर्स एंड इन्फॉर्म द नेफ्रोलॉजिस्ट इफ दिस अकर फॉर मोर देन 2 डायलिसिस सेशंस एंड चेक मेडिकेशंस। उसके बाद बात करते हैं हम हेडेक के। अगर किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल 650 mg ओरली दे सकते हैं, ठीक है, चेक BP एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है, ठीक है, इफ अगर टेम्परेचर 101 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है, तो आप 650 mg की ओरली पैरासीटामोल दे सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं टेम्परेचर के रिड्यूस होने, यानी 90 degrees तक बिफोर बिगनिंग डायलिसिस। इफ रेगुलरली कैथेटर और ए पैरमाकैथ, कंसिडर लाइन इन्फेक्शन एंड इन्फॉर्म योर डॉक्टर्स एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम चेल सेवरिंग। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यानी चेल्स हो रही है या सिवरिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप ब्लड पंप एंड पुट सिस्टम फॉर रिसर्कुलेशन, यानी पेशेंट का जो ब्लड है उसको आप रिसर्कुलेशन में डाल सकते हैं एंड इफ रिएक्शन टू सीवियर डू नॉट रिटर्न ब्लड। ओके, आपको वो जो ब्लड रिटर्न नहीं करना है, अभी क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक एम्प्यूल एविल का, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, इफ नॉट ओके एडमिनिस्टर इंजेक्शन हाइड्रोकोट 100 mg, इफ सिम्टम्स माइल्ड कंटिन्यू HD विद केयरफुली मॉनिटरिंग, इफ सिम्टम्स सीवियर डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट एंड इन्फॉर्म नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सभी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है पेशेंट की उसको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर, ठीक है, आपको दूंगा एंड तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।